लक्ष्य है कमजोर, पिछड़े वर्ग, गरीबों और खासकर महिलाओं के प्रति त्वरित न्याय के लिए काम करना। उदयपुर क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर को मिटाने, शराब तस्करी की रोकथाम, साइबर फ्रॉड को रोकने, बेनामी संपत्ति चोरी और बाल श्रम को रोकने के लिए आप संवेदनशीलता से हर तक पर नजर आते हैं। मुख्य अतिथि के आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं वही आवश्यक कहानी आपके सामने दोहराना चाहती हूं, आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि का जिक्र करना चाहती हूं। आपने जोधपुर में गए कुख्यात संत आसाराम का नाम तो सुना होगा। हमें कहते हुए गर्व होता है कि माननीय अजयपाल लांबा साहब ने सिर्फ 40 साल की उम्र में एंटी करप्शन विभाग में DSP रहते हुए 5 वर्षों में इस हाई प्रोफाइल अपराधी आसाराम के कुकर्मों का घनघोर जांच और समर्पण से खुलासा किया और भारत की बेटी को न्याय दिलाया। हमें जोरदार ताली से स्वागत करना होगा। वो आसाराम जिसके 400 से ज्यादा आश्रम थे और 4 करोड़ से देश और दुनिया में अनुयायी रहे, अपनी पूरी यौनिक लत, सत्ता और धन मूर्खता के चलते धर्म की आड़ लेकर उन्होंने जो दुरुपयोग किया, अपराधी आसाराम को कानूनन जेल में डालने का एक बड़ा कार्य, बहुत बड़ा जोखिम का कार्य आपने किया। आपको इसमें बहुत सारी धमकियां भी मिली, लेकिन उसके बावजूद जाबाज पुलिस अधिकारी के रूप में आपने जीवन में देश से प्यार करते हुए, जीवन से नहीं देश से प्यार करते हुए जो समर्पण किया, वो आम जनता की सुरक्षा के लिए एक आदर्श पुलिस अधिकारी का आदर्श है। मैं उनके लिए नमन करते हुए पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि घर हमारे आप आए इस तरह, रेगिस्तान में बदली छाए जिस तरह, और पूछिए मत पल को स्नेह की, पूछिए मत एक पल को स्नेह की, बहती फुहारों में ना है किस तरह। आपका आना हमारे कुछ नजदीक, माननीय अजयपाल लांबा साहब, क्योंकि आपको कहीं पढ़ाना है तो पूरे कार्यक्रम में आप नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि आपकी ऊर्जा, आपकी ऊष्मा, आपकी प्रेरणा हमारे आने वाले वक्त में जरूर काम आएगी। आदरणीय अजयपाल लांबा साहब। महिला सशक्तिकरण के इस अद्भुत आयोजन CRPF वुमेन बाइक एक्सपेडिशन यशस्विनी के इस शानदार आयोजन में यहाँ मौजूद मेरे साथी अधिकारीगण, CRPF जो कि इस पूरे कार्यक्रम की आयोजक है, उनके सभी अधिकारी, आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए यहाँ मौजूद स्कूल कॉलेजेस के बच्चियां और जिनके लिए हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं आदर सत्कार के लिए, वो हमारे CRPF की महिला टुकड़ी जो करीब करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आज आप यहाँ उदयपुर में आए हैं, उन सबको मैं स्वागत करते हुए ये बात कही। आप महिला बटालियन की, महिला कंपनी की जो महिला पुलिस कर्मी है हमारे CRPF, ये आपके लिए नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण उदयपुर के लिए एक गौरव के पल है कि हम आपसे आज यहाँ रूबरू होने का हमें सबको आप लोगों ने अवसर दिया है। इसके लिए समस्त महिला टीम को CRPF को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें आपने मौका दिया। हमारे प्रशासन की तरफ से, उनके शहरवासियों की तरफ से आपका सुंदर शहर में स्वागत। जब कभी भी हम समाज की प्रगति की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, समाज में सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हमारे समाज में कौन सा वर्ग है जिसकी प्रगति की आवश्यकता है, कौन सा वर्ग है जिसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, कौन सा वर्ग है जो सोशल बना हुआ है कि समाज में कमजोर वर्ग। इस तरह का भेदभाव पूर्ण सामाजिक सोच का जो नजरिया है, उस नजरिए में कहीं ना कहीं हमारा ये समाज महिला को शारीरिक रूप से कमजोर आंकने की गलती अक्सर कर बैठता है। आप सभी महिला कर्मियों ने जो
कितना किलोमीटर करीब 9-10 हजार किलोमीटर के बीच की दूरी मोटरसाइकिल पर कवर करी है और वो मैं मोटरसाइकिल की आपकी क्वालिटी देखा जनरली कहते नहीं कि बच्चियां हैं बच्चियों को कब गाड़ी नहीं चला सकती उनको तो छोटी रिलेटिव स्कूटी दिला आपकी सारी वो मोटरसाइकिल थी जो हम तथाकथित पुरुष वर्ग जो समाज का है वो कॉलेज में यूथ में जब होता है तो वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि मैं कोई वक्त तक बाइक चला सकता और ये माना जाता है कि ये बाइक से लड़कों का अधिकार आप सबने जिस सटीकता से जिस सुंदरता से जिस काबिलियत से ये मोटरसाइकिल लेते जब शहर में आप एंटर कर रही थी जब यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर आप एंटर कर रही थी तो वो वाकई में महिला के प्रति जो समाज में पुरुष वर्ग की जो सोच है कि महिला कमजोर है इस सोच पे एक जो आघात आपने किया इस सोच को मिटाने का ये जो प्रयास है इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ आप सबको सलूट करता हूँ। सामने छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं इनके लिए आप प्रेरणा स्रोत और छोटी बच्चियां जो स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ रही हैं वो अपने आप से एक प्रण करके आज यहां से जाए कि आप ही की ये बड़ी बहनें जब इतने दूर कन्याकुमारी से चल के आई है शिलोक से चल के आई है तो गुजरात तक जाएगी जब ये सब इतनी मजबूती से कर सकती है आपकी बड़ी बहनें तो आप जो छोटी छोटी बच्चियां यहां बैठी है आपकी आज ये प्रण करके जाए कि समाज में परिवार में आप बच्चियों से ज्यादा मजबूत कोई नहीं है ये प्रण के साथ आप जाइए और मैं आपको विचार दिलाता हूं कि अगर घर में बच्ची महिला स्त्री ये ठान ले कि मेरे से ज्यादा मजबूत कोई नहीं है मेरे से ज्यादा नेक इरादों वाला कोई नहीं है मेरे से ज्यादा भावुक कोई नहीं है मेरे से ज्यादा नैतिक रस्ते पे चलने वाला कोई नहीं है तो मैं मानता हूं हम पूरे समाज को पूरे देश को आगे बढ़ाने में एक बड़ा योगदान महिलाओं का हो सकता है। यकीन मानिए बच्चियों ये रिसर्च करती है मेडिकल साइंस करती है शारीरिक रूप से महिला पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली होती है ज्यादा मजबूत होती है बायोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इसका एक उदाहरण आपको घर परिवार में देखने को मिलेगा आपके मोहल्ले में देखने को मिलेगा जिस गांव कस्बे में आप रहते हैं वहां देखने को मिलेगा अपने आस पड़ोस में नजर दौड़ाइए आपको देखने को मिलेगा कि आपके समाज में मोहल्ले में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी पुरुषों की संख्या कम मिलेगी हमारी जो जो लॉन्गेविटी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके कई कारण हो सकते हैं महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कागजों में कम हो कारण है कि बच्चियों की परवरिश में ही कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो जो माल न्यूट्रिशन का शिकार रही है बच्चियों के वो प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के दौरान कुछ डेथ होने की वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है लेकिन उसके लिए महिला का कहीं भी ये आंख ना कि महिला पुरुष से कमजोर है गलत है हमारे पुलिस में बहुत सारी महिलाएं हैं और जब हम उनका काम आंकते हैं एसपी साहब शायद मेरे से सहमत होंगे हम जिस ड्यूटी पे महिला को भेजते चाहे वो रात्रि गश्त में जावे चाहे वो हाईवे पे रोड पे नाके पे जावे महिला टीम की कार्रवाई अगर पुरुष टीम से बेहतर होती तो ये अपने आप ही साबित करता है जब आप रात की गश्त देखेंगे रात की नाकाबंदी में देखेंगे तो समाज में तो यही हम सोचते हैं कि लड़की है महिला है कोमल है छुई हुई है ये कहां रात में ये काम कर पाएगी इतना तब काम इससे कैसे लेकिन जो परिणाम हम देखते हैं वो मैं आपको पुलिस विभाग की तो ये बता रहा हूं ये तो मैंने शारीरिक श्रम वाली नौकरी की बात है इसी पुलिस विभाग में हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स की जो नौकरी है और आप इस सिलेक्टेड भी आप इसको बखूबी इसको महसूस करते होंगे सॉफ्ट स्किल्स की जो हमारी
गति दिया है उनमें भी मेजोरिटी पोर्शन जो है वो महिला पुलिस कर्मियों का है, पुरुषों के बजाय और बेहतर रिजल्ट और भी देते हैं। कहने का मतलब आप कहीं से भी अगर महिला को पुरुष से कंपेयर करने शुरू करेंगे उसकी कार्य क्षमता से लेकर उसके समाज में जो कुछ उसके एक दूसरे से व्यवहार है, उसके इमोशंस है, भावनाएं हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है, उसमें आप हमेशा महिला को पुरुष से कहीं ऊपर आते हैं। और ये सब साबित करने के लिए जो आपके जो बच्चियां यहाँ छोटी बच्चियां होती है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ये साबित किया है, जो आज पुलिस में समाज की अन्य नौकरियों में या समाज के अन्य दायित्वों में, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, बिजनेस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, आप कहीं चले जाइए, आपसे पहले वाली पीढ़ी ने आपको जो एक नजीर दिखाई, आपको एक जो रास्ता दिखाया है, आप ये प्रण करके जाए कि जो मंजिल उन्होंने आपके लिए खड़ी करी है उस मंजिल को आप और ऊंचा लेते चले जाएंगे। और जो एक रेखा खींची है आपकी बड़ी बहनों ने, आपसे पूर्ववर्ती जनरेशन, उस रेखा की लंबाई को और ऊंचा हम करेंगे, ये प्रण के साथ आप यहाँ से जाएंगे। तो मैं मानता हूं आप सब बच्चों का यहाँ आना सार्थक होगा। हिंदुस्तान दुनिया का एक सबसे बड़ा पुलिस बल है और इस पुलिस बल की आप जो महिला बाइकर्स की जो क्रियाएं है आप गौरवित महसूस करिए कि उस सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े पुलिस दल के कुछ सेलेक्टेड टीम मेंबर के रूप में आपको सेलेक्ट करके इस एक्सपेडिशन के लिए आपको चुना गया। इसके लिए भी आप भाग्यशाली अपने आपको समझिए। और मैं मानता हूँ ये पूरी दूरी जब आप तय करके वापस अपने बटालियन में लौटेंगे तो आप कई गुना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस से अपना काम कर पाएंगे। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए जय हिंद जय भारत। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मान्य दीक्षित महोदय, श्रीमान राज्यपाल लांबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं पलों में हम चाहते हैं